नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा है, हाथ से हम ऑक्सीजन सेंसर के सिग्नल को कैसे चेक कर सकते हैं, उस पर हमने वीडियो बनाई है। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बहुत क्विक वीडियो होगी, टेस्टिंग बहुत जल्दी में हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है। कभी आपके पास कोई गाड़ी ऐसी आती है कि जिसपे आपको लगता है कि ऑक्सीजन सेंसर का इश्यू हो सकता है, सिग्नल का इश्यू हो सकता है, क्या वो सिग्नल तार टूटी तो नहीं है, कहीं से ओपन तो नहीं है? कई बार आपका ऑक्सीजन सेंसर को वो स्टक होता है, उसकी वोल्टेज, उसकी रीडिंग होती है वो स्टक होती है, 450, 800, 200 किसी भी वोल्टेज, मिली वोल्ट पे वो स्टक हो सकती है। उसे हम क्विकली कैसे टेस्ट कर सकते हैं? या मानिए कि कई बार आपके पास गाड़ी आती है, नो स्टार्ट गाड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रही, वो अकेली क्रैंक कर रही है, और आप डायग्नोस्टिक्स प्रोसेस में जा रहे हो और आपको लगता है कि आपको शायद जो उसका ऑक्सीजन सेंसर है उसकी सिग्नल वायर चेक करने की जरूरत पड़ रही है, तो कैसे क्विक टेस्ट कर सकते हो बिना मल्टीमीटर के, बिना किसी चीज़ को यूज़ किए आप कैसे उस सिग्नल वायर को चेक कर सकते हो, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको टेस्टिंग दिखाऊं ऑक्सीजन सेंसर की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कुछ आप मेरे भाई रिक्वेस्ट भेजते हैं, व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेज करते हैं कि मैं गाड़ियों पे डायग्नोस्टिक्स वीडियोस क्यों नहीं बनाता, गाड़ियों को रिपेयर करते हुए वीडियोस क्यों नहीं इतनी बनाता। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि जो गाड़ियों पे आप काम करते हैं, जो गाड़ियों को आप डायग्नोस करते हैं, वो गाड़ियां यहाँ पे इतनी नहीं है। मेरे पास सुजुकी की स्विफ्ट है, तो उस पर मैं जितनी हो सके वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ आ सके, क्योंकि ये इंडियन गाड़ी भी है, इंडिया में भी ये गाड़ी है। मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है मैं उन गाड़ियों पर टेस्टिंग करके दिखाऊँ जो इंडिया में भी है। पर जो अगर आप सीखना चाहते हैं कि कोई गाड़ी कैसे डायग्नोज होती है, उस चीज़ के लिए YouTube पे बहुत से अच्छे चैनल हैं, बहुत से बढ़िया चैनल हैं। पर जो मेरा मकसद है इस चैनल से आपको समझाना है, वो है बेसिक्स एंड फंडामेंटल, किसी भी गाड़ी को कैसे किया जा सकता है ठीक, कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। ज़रूरी है कि हम अपना बेस, जो नी होती है, जो किसी चीज़ की भी नींव होती है, जो उसे सॉलिड बनाएं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ये सिखाऊं कि सुजुकी की स्विफ्ट का ये सेंसर कैसे टेस्ट होता है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि चाहे कोई भी गाड़ी हो, किसी भी देश में हो, आप उस गाड़ी को कैसे डायग्नोस कर सकते हो। मैं आपको अकेला सेंसर, एक्चुएटर, वेल्व, या जो कंप्यूटर के भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हिस्से हैं, मॉड्यूल वगैरह भी है, उन चीज़ों को डायग्नोस करना मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ सके कि आप किसी भी गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हो। आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये गाड़ी पे डायग्नोस कैसे होता है या वो गाड़ी पे कैसे डायग्नोस होता है। हर एक गाड़ी का जो फंडा होता है, जो बेसिक होते हैं, वो सेम होते हैं, बस जानना ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ चल कैसे रही है। सो अगर आप अपने फंडामेंटल्स और बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी गाड़ी पे निडर होकर काम कर सकें, कुछ भी डायग्नोस कर सकें, जो भी आपके मन में आता है, आपके जो उस चीज़ का नॉलेज है, बैकग्राउंड नॉलेज है किसी भी चीज़ की, वो अगर आप लेनी चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो ऑक्सीजन सेंसर की सिग्नल वायर टेस्टिंग पे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपना स्कैन टूल कनेक्ट कर लिया है गाड़ी के साथ, की ऑन है गाड़ी की, क्योंकि मैंने लाइव डाटा देखना है। ये है मेरा सेंसर वन, जो कैट के पहले वाला सेंसर है, उसका लाइव डाटा है। इस गाड़ी पे सेंसर है जो ये जिरकोनिया टाइप सेंसर है, जो 0 से 1 वोल्ट के बीच बीच में चलता है। ये वाली टेस्टिंग है जो, ये आप ऊपर वाले सेंसर पे या नीचे वाले सेंसर पे, दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं। चाहिए क्या आपको? आपको चाहिए आपका लाइव डाटा आपके स्कैन टूल पे ऊपर, ताकि आप देख सके जब मैं इसको टेस्ट करूंगा। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन सेंसर का कनेक्टर है, मैं यूज करूंगा बैक प्रो पिन। फ्रेंड्स, बैक प्रोबिंग पिन यूज करनी बहुत जरूरी है। कभी किसी तार को आप मल्टीमीटर का, जो हमारी वायर होती है मल्टीमीटर की, जो पिन होती है, उससे कभी यूज ना करें, क्योंकि उससे टर्मिनल खराब हो जाते हैं। हमेशा आप बहुत ही पतली पिन यूज कीजिए, ताकि किसी भी तार में छेद ना हो। जब तार में छेद होता है, उसमें क्रोजन होती है और वहीं से मुसीबतें शुरू होती हैं। सो हम यूज करेंगे ये पतली सी बैक प्रो पिन। जो आपका ऑक्सीजन सेंसर होता है, चार वायर वाला आपका जो जिरकोनिया टाइप ऑक्सीजन सेंसर होता है, उसमें चार तारे होती हैं, दो तारे जो सेम कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की, वो होती है हमारी हीटर सर्किट की वायर्स। जो हमारी व्हाइट और ब्लू होती है, ब्लू हमारी सिग्नल वायर होती है। ये सेंसर की तरफ के कलर होते हैं। अगर हार्नेस की तरफ के कलर देखें, वो डिफरेंट होंगे।
जो सेंसर को हार्नेस जा रही है उसके ये कलर लगभग हर एक सेंसर का सेम ही होता है, हर एक गाड़ी पे ये सेम होता है फंडा। जैसे कि आप देख सकते हो दो काली तार यहाँ पे है, एक नीली है एक सफेद है। ये नीचे वाले सेंसर पे भी दो काली है, एक सफेद है एक नीले कलर की तार है। सो जो नीली वायर होती है हमारी नीले रंग की, वो आपकी सिग्नल वायर होती है। सो हमने करना क्या है, ये मेरी बैक प्रोब पिन है, मैंने इसे बैक प्रोब कर देना है हमारी सिग्नल वायर पे। आपने उतना ही बैक प्रोब करना है जब जब आपको महसूस होगा कि उससे ज्यादा पिन नहीं जा रही, आपने रुक जाना है। अगर आप उससे ज्यादा उसे पुश करेंगे, आप उस टर्मिनल को स्प्रेड कर देंगे और वो कभी कनेक्शन सही नहीं बनेगा। उसके बाद वो इशू कभी आता ही रहेगा, हर बार आता ही रहेगा इलेक्ट्रिकल इशू, और आपको लगेगा कि ये सेंसर का इशू है या कंप्यूटर का इशू है। सो कभी भी बैक प्रोबिंग पिन यूज कीजिए, पतली से पतली यूज कीजिए और बहुत ही ध्यान से यूज कीजिए कि आप उस टर्मिनल को खराब ना कर दें। सो यहाँ पे लिखा आ रहा है 455 वोल्ट लिखा आ रहा है, वो हमारी बायस वोल्टेज है। यहाँ से हमारा सेंसर जो 455 वोल्टेज से स्विच होना शुरू होता है, ऊपर नीचे होना शुरू होता है, जो कि हमारा फ्यूल ट्रिम जिसे करते हैं। सो हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। सिंपल सा टेस्ट मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि मानिए कि हमें इस सेंसर की सिग्नल वायर चेक करनी है। यहाँ पे 455 तो है ना, पर कैसे चेक करें कि ECM को ये सिग्नल सही मिल रहा है कि अगर हमारी गाड़ी अब ये स्टार्ट नहीं है, गाड़ी बंद है, अकेली की ऑन है, मैं कैसे चेक करूंगा अपने इस सिग्नल वायर की इंटेग्रिटी, इसका सही होना कैसे चेक करूंगा। तो आपने करना क्या है, ये हमारी बैटरी पॉजिटिव है और ये हमारी बैक प्रोब पिन है। मैं एक हाथ बैटरी पॉजिटिव पे लगाऊंगा और दूसरा हाथ पिन पे लगाऊंगा। जैसे ही मैं इस पे हाथ लगाऊंगा, ये सेंसर सिग्नल है जो हमारा, ये ऊपर चले जाएगा। मैं दिखाऊंगा, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो वो ऊपर चले गया बिल्कुल। मैं इसे देखो, जैसे जैसे मैं हाथ को बैटरी पॉजिटिव को छोड़ रहा हूं, जैसे जैसे वो सिग्नल चेंज हो रहा है। वो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही वीक सिग्नल होता है, मेरी बॉडी से थोड़ा सा जो करंट फ्लो हो रहा है वेरी निग्लिजिबल, सो बहुत ही कम जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से वो जो वीक सिग्नल हमारे ऑक्सीजन सेंसर का है, मैं उसको हाई कर पा रहा हूं। सो जब मैं इसे बैटरी पॉजिटिव से लगाता हूं, वो छोटा सा जो थोड़ा सा करंट फ्लो है वो मेरी बॉडी से होकर हमारी सिग्नल वायर तक जा रहा है और मैं उसे सिग्नल वायर को हाई कर रहा हूं। अगर मैं ये ऐसे कर पा रहा हूँ तो फ्रेंड्स मेरा जो सिग्नल वायर है ECM तक जा रही वो बिल्कुल ठीक है। मेरे इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूँ ECM को, वो भी उसे मिल रही है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन ECM तक पहुँच रही है वो हमारे स्कैन टूल तक भी आ रही है। सो बहुत ही क्विक टेस्ट है आपका ऑक्सीजन सेंसर की सिग्नल वायर को चेक करने का। सो फ्रेंड्स वो था हमारा टेस्ट स्कैन टूल के साथ। मानिए कि आपके पास स्कैन टूल नहीं है, आपने क्विक चेक करना है। मैं मानता हूं कि हर एक के पास स्कैन टूल उस टाइम पे नहीं होता, कई बार स्कैन टूल हमारे पास स्कैन टूल कई बार होता ही नहीं है। कई बार हमें यूँ होता है कि स्कैन टूल कनेक्ट करूंगा, बहुत सा काम करना पड़ता है, उसके बाद अगर बिना स्कैन टूल के मल्टीमीटर से ये चीज़ करनी चाहिए हम चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने उसे बैक प्रोब किया हुआ है और यहाँ पे हमारे 487 मिलीवोल्ट्स आ रहे हैं। सो ये भी फंडा फिर सेम का सेम रहेगा। मैं बैटरी पॉजिटिव पे अपना एक हाथ लगाऊंगा, एक उंगली मैं यहाँ पे लगाऊंगा, दूसरी उंगली मैं यहाँ पे लगाऊंगा और जो हमारा सिग्नल है वो मल्टीमीटर पे भी चेंज हो जाएगा और स्कैन टूल पे भी चेंज हो जाएगा। मैं हाथ लगाऊंगा और आप देख सकते हो मल्टीमीटर पे वो सिग्नल 487 मिलीवोल्ट से 1.3 वोल्ट पे जा चुका है। मैं हटाऊंगा, फिर से लगाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हो वो दोनों हमारे मल्टीमीटर पे और स्कैन टूल पे वो सिग्नल चेंज हो रहा है, जिससे मैं कंफर्म कर सकता हूँ मेरी जो सिग्नल वायर है O2 सेंसर की वो बिल्कुल ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो ऑक्सीजन सेंसर सिग्नल वायर इंटेग्रिटी पे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली बार।